ये कहानी है सेप्सिलियोस नाम के एक आदमी की, जिसे एक चाइनीज़ जहर दिया जाता है और उस जहर से बचने के लिए सिलियोस क्या क्या करता है वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत में हम सिलियोस को देखते हैं। यहाँ पे उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो अपने पूरे घर में भटक रहा है। तभी उसे एक सीडी नज़र आती है और वो उसे प्ले करता है। सीडी प्ले होते ही हम विकी वेरोन नाम के एक आदमी को देखते हैं और वो सिलियोस को बताता है कि उसने उसे एक चाइनीज़ जहर दिया है जिसकी वजह से अब उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे स्लो हो जाएगी और वो एक घंटे के अंदर मर जाएगा। दरअसल रिकी ब्रोना इसलिए उसे मारना चाहता है क्योंकि सिलियोस एक हिटमैन है जो काम करता है कार्लिटो के लिए। कार्लिटो ने सिलियोस को डॉन किम को मारने की सुपारी दी थी, जिसके बाद सिलियोस ने डॉन किम को मार दिया। पर अब कार्लिटो को डर है कि चाइनीज़ गैंग किम डॉन की मौत का बदला लेने उसकी गैंग को मारने आएगी, इसलिए कार्लिटो सिलियोस को मारने के लिए नए हिटमैन को हायर करता है जो है रिकी वेरोना। क्योंकि अगर किम डॉन को मारने वाला मर जाता है तो चाइनीज़ गैंग अपने आप शांत हो जाएगी, इसलिए रिकी वेरोना सिलियोस को नींद में ही जहर वाला इंजेक्शन दे देता है। इसे देखने के बाद सिलियोस को बहुत गुस्सा आता है और वो टीवी को उठाकर ज़मीन में पटक देता है। अब वो एक कार को लेकर वहाँ से निकलता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड कॉल नहीं उठाती, जिसके बाद सिलियोस अपने डॉक्टर को कॉल करता है, पर कॉल डॉक्टर की मास्क को उठाती है और वो सिलियोस को बताती है कि डॉक्टर अभी बिजी है। फिर सिलियोस अपने दोस्त कायलो को कॉल करता है जो कि एक छक्का है और वो उसे रिकी वेरोना का पता लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद सिलियोस एक क्लब में जाता है। वहाँ पर वो एक आदमी पर बंदूक तानकर उससे वेरोना का पता पूछता है, पर तभी उस आदमी के कुछ लोग वहाँ आकर सिलियोस को घेर देते हैं। पर वो आदमी उन सबको यह कहकर शांत कर देता है कि सिलियोस उसका दोस्त है और वो बस उससे बात करने यहाँ आया है। और तब वो आदमी सिलियोस को बताता है कि वेरोना कहाँ है ये कोई नहीं जानता। वहीं सिलियोस का खून अब ठंडा पड़ने लगता है और वो फिर से जोश में आने के लिए उनसे ड्रग्स लेता है, पर ड्रग्स लेने के बाद भी उसे कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, जिसके बाद वो उन सब की धुलाई करके वहाँ से निकल जाता है। अब उसे रिकी वेरोना का फ़ोन आता है और वो सिलियोस को कहता है कि तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो, तुम्हें तो कब का मर जाना चाहिए था। तो सिलियोस वेरोना को कहता है कि वह उसे मारे बगैर नहीं मरेगा। अब सिलियोस काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता है तो ओवर स्पीड की वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। तभी उसके डॉक्टर का फ़ोन आता है और सिलियोस उसे सारी बात बता देता है, जिससे डॉक्टर समझ जाता है कि उसे कौन सा जहर दिया गया है। और तब डॉक्टर उसे बताता है कि एड्रेनल उस जहर को कम कर सकता है, जिसके लिए उसे भागते रहना होगा और अगर वो रुका तो मर जाएगा। अब क्योंकि पुलिस भी उसके पीछे पड़ी होती है तो वहाँ से निकलकर एक कैब में बैठ जाता है। पर थोड़ी दूर जाने के बाद सिलियोस का खून ठंडा पड़ने लगता है तो वो कैब रुकवा कर एक शॉप में जाता है। वहाँ वो शॉपकीपर को गन दिखाकर बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक इकट्ठी करता है और वापस कैब में आ जाता है और कैब ड्राइवर को कार्लिटो के अड्डे पर चलने को कहता है। वहाँ कार्लिटो आराम से स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है तो सिलियोस उससे बात करने के लिए पूल में कूद जाता है। और तब सिलियोस को पता चलता है कि रिकी वेरोना कार्लिटो के लिए ही काम करता है, जिसके बाद सिलियोस गुस्से में वहाँ से बाहर आ जाता है और कैब ड्राइवर को वहाँ से चलने के लिए कहता है। सिलियोस गीला होता है जिस वजह से कैब ड्राइवर उसे कैब में बैठने से मना कर देता है, जिसके बाद सिलियोस उसे धक्का देकर उसकी कैब लेके निकल जाता है। और अब उसे डॉक्टर का फ़ोन आता है और वो सिलियोस को बताता है कि उस जहर की वजह से अब उसके शरीर में और खून नहीं बन पाएगा और उसे ज़िंदा रहने के लिए किसी मेडिकल स्टोर में जाके एफिनेफ्रिन का डोज लेना होगा। अब डॉक्टर की फ़्लाइट भी वहाँ पहुँचने वाली होती है और वो सिलियोस को कहता है कि उसे जल्दी मिलेगा और फ़ोन काट देता है, जिसके बाद सिलियोस को उसके दोस्त कायलो का फ़ोन आता है और वो सिलियोस को बताता है कि अभी अभी उसने वेरोना के भाई को होटल प्रिंस में जाते हुए देखा है, जिसके बाद सिलियोस भी प्रिंस होटल में पहुँचता है। पर अब वेरोना का भाई उसे देख लेता है और वो गन लेकर उसे ढूंढने लगता है, पर सिलियोस उसका वो हाथ काट देता है जिसमें उसने गन पकड़ी होती है। और कुछ देर फाइट होने के बाद सिलियोस उसे मार देता है, जिसके बाद सिलियोस उसी के फ़ोन से वेरोना को कॉल करता है। सिलियोस की आवाज़ सुनकर वेरोना समझ जाता है कि उसका भाई मारा गया है और अब सिलियोस उसे कहता है कि अगर तुम अपने भाई का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे ढूंढना होगा, जिसके बाद सिलियोस हॉस्पिटल में एफिनेफ्रिन लेने जाता है जहाँ नर्स उसे एफिनेफ्रिन देने से मना कर देती है। पर वहीं सामने खड़ा एक बंदा उसे बताता है कि नाक की दवाई में भी एफिनेफ्रिन होता है,
तो सिलियोस नाक की दवाई के कुछ ड्रॉप्स उठा लेता है। वहीं नर्स अब पुलिस को कॉल करती है, जिससे पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस से बचते हुए सिलियोस एक पेशेंट के पास पहुंचता है, जिसे वार्ड बॉय ऑपरेशन रूम में ले जा रहे होते हैं। पर सिलियोस अब वार्ड बॉय से एफिनेफ्रिन मांगने लगता है, जिससे वो बंदा काफ़ी घबरा जाता है। पर काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एफिनेफ्रिन मिल जाती है, जिसे लेकर सिलियोस लिफ्ट में घुस जाता है और ख़ुद को एफिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगा लेता है। इंजेक्शन लेने के बाद सिलियोस के शरीर में काफ़ी एनर्जी आ जाती है और वो तेज़ी से दौड़ने लगता है, जिसके बाद वो एक पुलिस वाले के पास जाकर उसकी बाइक छीन लेता है। पर कुछ दूर जाने के बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और जब वो होश में आता है तो उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड ईव का फ़ोन आता है, जहाँ पर वो सिलियोस को बताती है कि वो ठीक है और अपने घर पर है। ये सुनकर सिलियोस सुकून की सांस लेता है और ईव के घर पर पहुँचता है। सिलियोस जानता है कि वेरोना के आदमी कभी भी उसके पास पहुँच सकते हैं, इसलिए वो ईव को जल्दी तैयार होने के लिए कहता है। पर ईव उसे माइक्रोवेव ठीक करने के लिए कहती है। सिलियोस माइक्रोवेव को ठीक कर रहा होता है, तभी उसका खून ठंडा पड़ने लगता है, जिसके बाद वो अपना हाथ टोस्टर मशीन में रखता है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। अब वहाँ वेरोना के आदमी पहुँच जाते हैं, जिन्हें सिलियोस अपनी गर्लफ्रेंड की नज़र से बचते हुए ठिकाने लगा देता है। और अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ सिलियोस ईव को अपने काम के बारे में बताता है कि वो कैसे पैसों के लिए लोगों को मारता है। पर अपने पिछले कॉन्ट्रैक्ट में उसने डिसाइड किया कि अब वो ये सब छोड़ देगा। यहाँ हमें पता चलता है डॉन किम को सिलियोस ने नहीं मारा और वो अभी भी ज़िंदा है। सिलियोस ईव को कहता है कि उसके शरीर में जहर है, जिसकी वजह से वो किसी भी वक्त मर सकता है। ये सुनकर ईव वहाँ से जाने लगती है, और अब सिलियोस उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उसके दिल की धड़कन धीमे होने लगती है, और शरीर का जोश बढ़ाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता होता है, जहाँ पर वो पब्लिक के सामने ईव के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिसे देखने के लिए काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पर तभी उसके पास काइलो का फ़ोन आता है, जो कुछ गुंडों की कैद में होता है, और वो सिलियोस को डॉन किम की फैक्ट्री में आने को कहता है, और फिर वो लोग काइलो को मार देते हैं। अब सिलियोस वहाँ पहुँचता है, पर उसे पता होता है अंदर खतरा है, तो छत के रास्ते से अंदर आता है और वेरोना के बारे में उन लोगों से पूछता है, जहाँ पर वो उसे बताते हैं कि वो वेरोना के आदमी नहीं है और उन्हें कार्लेटो ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। तभी वहाँ ईव भी पहुँच जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में सिलियोस अब उन सबको मारने लगता है और एक कार को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर अब वो लोग भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिन्हें सिलियोस एक एक करके मार देता है। और अब ईव को भी यकीन हो जाता है कि सिलियोस एक हिटमैन है, जिसके बाद डॉक्टर उसे कॉल करके अपने क्लिनिक पर बुलाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है, जहाँ पर वो सिलियोस को बताता है कि जो केमिकल मैंने तुम्हारे शरीर के अंदर डाला है, उसकी मदद से तुम कुछ दिनों तक ज़िंदा रह सकते हो, पर धीरे धीरे तुम्हारा शरीर कोमा में चला जाएगा। पर सिलियोस मरने से पहले रिकी वेरोना को मारना चाहता है, इसलिए अब वो रिकी वेरोना को कॉल करके उस जहर का एंटीडोट मांगता है, और बदले में उसे उसके खानदानी लॉकेट लौटाने का वादा करता है, जो उसे उसके भाई से मिला था। तो वेरोना सौदे के लिए मंजूर हो जाता है और उसे एक होटल में मिलने के लिए कहता है। अब सिलियोस उस होटल में पहुंच जाता है, जहां वेरोना के आदमी उसकी तलाशी लेते हैं और उससे सारे हथियार ले लेते हैं। हथियार लेने के बाद वो उसे वेरोना के पास लाते हैं, जहां कार्लेटो भी होता है, और अब कार्लेटो उसे चीनी जहर का एक और इंजेक्शन देने वाला होता है। पर तभी डॉन किम वहाँ अपनी गैंग को लेकर आ जाता है। दरअसल उन्हें यहाँ सिलियोस ने बुलाया होता है, क्योंकि कार्लेटो ने उसे डॉन किम को मारने की सुपारी दी थी, जिसके बाद दोनों गैंग के बीच गोलीबारी चलने लगती है, जिससे बचकर कार्लेटो वहाँ से भागने लगता है। पर अब सिलियोस भी उसके पीछे भागने लगता है, और फिर कार्लेटो उस बिल्डिंग की छत पर पहुँचता है, जहाँ एक हेलीकॉप्टर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। पर तभी सिलियोस उसे पकड़ लेता है, पर अब वेरोना वहाँ आकर सिलियोस को जहर वाला इंजेक्शन दे देता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। और अब वेरोना हेलीकॉप्टर में चढ़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर कार्लेटो उसकी बेइज्जती कर देता है, तो वेरोना गुस्से में आकर कार्लेटो को गोली मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। कार्लेटो को मारने के बाद हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है, जिसे देखकर सिलियोस भी उसमें लटक जाता है और वेरोना से लड़ने लगता है। पर अब देखते देखते हेलीकॉप्टर काफ़ी ऊपर चला जाता है, और उन दोनों की काफ़ी देर तक ऐसे ही लड़ाई चल रही होती है। तभी सिलियोस वेरोना को पकड़कर हेलीकॉप्टर से कूद जाता है, पर नीचे गिरते गिरते भी हवा में वो दोनों लड़ रहे होते हैं। वहीं अब सिलियोस वेरोना को गला घोट देता है, जिससे हवा में ही उसकी मौत हो जाती है। पर सिलियोस भी काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, जहाँ पर अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके बताता है कि वो उससे कितना प्यार करता है,
और कहता है शायद अब वो कभी नहीं मिल पाएंगे। इतना कहने के बाद सिलियोस ज़मीन में गिर जाता है। ज़मीन में गिरने के बाद सिलियोस के कान से खून निकल रहा होता है, पर अभी भी उसकी आंखें खुली हुई होती है, जिसके बाद इस मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था क्रैंक मूवी के फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो, और जल्दी हम इसके दूसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी लाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।